हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का कॉल लॉक ओपन करना है, ठीक है। ये जो कॉल लॉक होता है ना, इस कॉल लॉक में आपको सबसे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड कॉलिंग अकाउंट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको ये जो आपके फ़ोन की सिम है इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे ये कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है। अब आपका पेज जो है इस तरीके से रिफ्रेश होगा, आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इस ऑलवेज फॉरवर्ड के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे ऑफ का ये बटन है, ऑफ के बटन पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपका पेज दोबारा से अपडेट होगा यानी कि रिफ्रेश होगा, अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, 10 से 15 सेकेंड, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, पहले यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा था, अब यहाँ पे ऑफ लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग स्टॉप हो जाती है। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूँ। अब देखिए कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप करने से क्या होगा कि अब जितनी भी इनकमिंग कॉल होगी ना, जितनी भी कॉल्स होंगी, अब वो सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे आएंगी। अब वो कॉल जो है उस वाले नंबर पे नहीं जाएगी जो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है ना, तो आप उसे इस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी कॉल नहीं आएगा, सारे के सारे कॉल जो है किसी और नंबर पर चले जाएंगे जो नंबर आपको ऑलवेज फॉरवर्ड के यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं।